तो सभी का स्वागत है इस सुबह के सत्र में, एक्सरसाइज वन में। तो बेसिकली हम लोग स्टेप 1 2 3 होते हुए 4 पे बात कर रहे हैं। मैं जस्ट ब्रीफली स्टेप 4 को बता देता हूँ, फिर हम लोग ऑब्जर्वेशन को लेंगे और फिर प्रक्रिया पे एक बार मैं फिर से ध्यान दिलाऊंगा। तो स्टेप 1 को देखेंगे तो हम लोग हर पल हर क्षण अपने में जो विचार और उसके पीछे भाव चल रहा है, तो भाव को देखने का काम कर रहे हैं। भाव का देखने का काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाव को देखकर उसका मूल्यांकन करना ज्यादा आसान है बजाय इसके कि विचार को देखकर उसको विचारों से सेट करना, है ना। तो इसलिए हम लोग भाव के लेवल पर जाकर देखने का काम कर रहे हैं। बीज के रूप में देखेंगे तो हमारे में भाव ही पड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ उस भाव से ही विचार चल रहा है। तो इसलिए स्टेप 1 में बिना रिएक्शन किए, बिना प्रतिक्रिया किए, बिना बदले, बिना इंटरप्ट किए जो भी दिख रहा है उसको देखते हुए उसके पीछे के भाव को देखने का काम कर रहे हैं। और स्टेप 2 3 में देखेंगे तो मूल्यांकन कर रहे हैं हम लोग। ध्यान रखेंगे मूल्यांकन कर रहे हैं, निष्कर्ष नहीं निकाल रहे हैं, विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मूल्यांकन कर रहे हैं कि जो चल रहा है उससे मैं सुखी हूं दुखी हूं, उसकी निरंतरता चाहता हूं कि नहीं चाहता हूं, मेरे लिए मानवीय स्वभाव के अनुकूल है कि नहीं है, ये मूल्यांकन कर रहे हैं। और फिर हम इस बात पर पहुंच रहे हैं कि ये जो सहज भाव है ये मेरे सुख का आधार है, या जो असहज भाव ये मेरे दुख का आधार है, क्या है ये। क्योंकि अल्टीमेटली देखेंगे तो मेरे भाव के आधार पर ही मेरा सुख दुख तय हो रहा है। तो इसलिए भाव के लेवल पर जाकर हम ये मूल्यांकन कर रहे हैं। एक बार ये तय हो जाए कि जो सहज भाव है उससे मैं सुखी हो रहा हूँ, असहज चल रहा है तो उससे मैं दुखी हो रहा हूँ, अब हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे में जो भी चल रहा है इसका स्रोत किया है, इसका निर्णय कौन ले रहा है। तो ये प्रश्न हम लोग अपने से अब पूछ रहे हैं देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए कि ये जो भाव चल रहा है चाहे सहज हो चाहे असहज हो इसका निर्णय कौन ले रहा है। तो अगर हम इस बात पर ध्यान देंगे निर्णय कौन लेता है, तो या तो बाहर की स्थिति परिस्थिति है, या दूसरा व्यक्ति है, या मैं स्वयं हूं। ये तीन बातें अगर अपने में क्लियर हो जाए कि मेरा जो निर्णय ले रहा है उसका क्या आधार है, मैं स्वयं हूं, दूसरा व्यक्ति है, या कोई स्थिति परिस्थिति है, इसको थोड़ा सा भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और बहुत हम लोग कर भी रहे हैं सब लोग मिलके, तो हमको कहीं ना कहीं ये दिख जाता है, क्लिम्प जाता है कि जो भाव विचार चल रहा है उसका निर्णय मैं ही ले रहा हूँ, कोई व्यक्ति या बाहर की परिस्थिति ट्रिगर कर सकती है, मेरा ध्यान उस ओर खींच सकती है, लेकिन अल्टीमेटली मैं क्या भाव रखूंगा उस व्यक्ति के लिए ये निर्णय तो मेरा ही होता है। लेकिन इसको देखना है, अभी मान नहीं लेना है, मान लेंगे तो फिर मूल्यांकन ठीक से नहीं हो पाएगा, उसको देख लेना है कि मैं ही ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ। अगर मैं ही ले रहा हूँ तो मैं उस भाव के आधार पर सुखी दुखी हो रहा हूँ, इस अर्थ में देखेंगे तो मैं अपने सुख और दुख के लिए जिम्मेदार हूं। अगर मैं नहीं ले रहा हूं तो बाहर से ही कुछ सब कुछ हो जा रहा है, तो बाहर से जिम्मेदार है। तो ये हमको भी देखना है, ऑब्जर्व करना है कि मैं निर्णय ले रहा हूं या बाहर से निर्णय हो रहा है। बाहर कुछ होता है तो अपने आप कुछ मेरे में चालू हो जाता है ऐसा हो रहा है, या बाहर कुछ होता है मैं ट्रिगर होता हूँ फिर मैं निर्णय लेता हूँ कि अब क्या चलाना है मेरे में। तो इस तरह से देखेंगे तो स्टेप 4 बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है, क्योंकि स्टेप 4 से ये तय होगा कि हमको काम कहाँ पर करना है। तो अगर बाहर की स्थिति परिस्थिति मेरे दुख का कारण है तो उस पर काम किया जाएगा, मैं ही जिम्मेदार हूँ अपने में जो भाव चल रहा है उसके लिए, तो स्वयं पर काम किया जाएगा। इस अर्थ में देखेंगे तो स्टेप 4 एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो इतनी बात हम लोग कर रहे हैं और बार बार हम लोग इस बात को ध्यान दिला रहे हैं कि जब स्टेप 4 कर रहे हैं तो 1 2 3 करते हुए उस पर आ रहे हैं ना, सीधे स्टेप 4 पर नहीं पहुंच जाने। तो 1 2 3 4 इस तरह से चलाएंगे
तो ठीक से मूल्यांकन भी हो पाएगा, ठीक से मैं देख भी पाऊंगा इसका निर्णय कौन ले रहा है, और एक बार ठीक से देख लूंगा निर्णय कौन ले रहा है तो फिर काम करने का स्कोप हमको पता चल जाएगा कि काम करने का स्कोप कहाँ पर है, किस पर काम करना है। तो इस अर्थ में हम लोग 1 2 3 4 स्टेप का अभ्यास कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो कल से आज तक जो आप लोग का ऑब्जर्वेशन रहा है उसको आप शेयर कर सकते हैं, फिर उस पर मेरी जितनी समझ बनी है मैं इनपुट दे सकता हूँ, फिर हम लोग मिलकर तय करेंगे चीजें कहाँ जा रही हैं। जी भैया, मैं जब देखने बैठता हूँ मेरे एक कल्पनाशीलता को, जी इसमें भाव आशा भी आशा विचार और इच्छा ये आते नहीं है, तो फिर मैं सीधे मेरा अपना कल्पनाशीलता को देखता हूँ, एंड इसके बाद मैं फिर स्टेप में आगे बढ़ जाता हूँ। तो चौथा स्टेप पे जो जो तब तक मेरा कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये बार बार आता है मन में, क्या मैं इच्छा विचार और आशा को नहीं देख सकता हूँ, फिर भी फीलिंग देख के आगे बढ़ता हूँ, ये सही है कि नहीं? थोड़ा इस पे आपका। भैया देखिए, हाँ मैं बता देता हूँ, उसमें जी, इच्छा विचार ऐसा आ नहीं रहा है ऐसा नहीं है ना, आ रहा है चल रहा है, लेकिन हम उसको देख के डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं अभी। तो हमको स्थूल रूप में कुछ चलता हुआ दिखता है कि कुछ तो चल रहा है, लेकिन यही विचार है, यही आशा है, यही भाव है, इस तरह से अभी हम नहीं देख पा रहे हैं, है ना। नहीं, कुछ नहीं आता है दूसरा ये आशा, कुछ नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, कुछ नहीं आता है। देखिए जैसे अभी आप प्रश्न पूछ रहे हैं मुझसे, उससे जी। पहले आप अपने विचार में चला रहे होंगे कि नहीं चला रहे होंगे, मैं हैंड रेस कर देता हूँ, हाँ बिल्कुल, है ना। हाँ यस, जी भैया, मैं ये कह रहा था प्रश्न पूछने से पहले, है ना, हैंड रेस करने से पहले, आप बहुत सारा चल रहा होगा कल्पनाशीलता में कि अब मैं हैंड रेस कर लेता हूँ, कल का क्वेश्चन है हाँ 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 ये, मुझे पूछना है, बिल्कुल तो ये सब विचार ही चल रहा जी, है ना। फिर आप जब पूछ रहे हैं तो किसी एक्सपेक्टेशन से तो पूछ ही रहे होंगे, किसी आशा से तो पूछ ही रहे होंगे कि कुछ तो हेल्प मिलेगा हमको, तो ये आशा है ना। तो ऐसा नहीं है कि आता ही नहीं है, चल ही नहीं रहा, ऐसा नहीं है, उसको हम देख के बता नहीं पा रहे हैं। नहीं, जो कल्पनाशीलता को हम अभी नहीं देख रहे हैं ना, तो आप पूछ रहे हैं कल्पनाशीलता नहीं चलता है, तो फिर आशा इच्छा विचार वो चलता है, नहीं, ये जब आप प्रश्न समस्या। पूछने का निर्णय लेते हैं तो कहाँ लेते हैं, कल्पनाशीलता में लेते हैं, शरीर में लेते हैं। हाँ जी, कल्पनाशीलता में तो कल्पनाशीलता में कुछ चल रहा है तभी तो निर्णय ले रहे हैं, नहीं तो कैसे लेते हैं, हाँ जी, हाँ ये तो ठीक, है ना। हाँ जी, कल्पनाशीलता में चल रहा है तभी तो हम निर्णय ले रहे हैं पूछने का, प्रश्न पूछने का। तो देखिए उसमें यही है कि चलते हुए हम अवेयरनेस के साथ उसको बता नहीं पा रहे हैं। तो जैसे आप इस सेशन के बाद ऑफिस जाएंगे तो बहुत सारा बैकग्राउंड में चल रहा होगा अभी कि ऑफिस जाना है, कपड़े पहनने हैं, सेशन के बाद ये करना है ना, ऑफिस का ये काम खत्म करना है, ये सब चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा। तो हाँ जी, चल रहा है ये सब कल्पनाशीलता में ही चल रहा है। फिर कई लोगों से मिलेंगे, फिर आप इस एक्सपेक्टेशन से मिलेंगे कि ये लोग भी सही भाव को समझ जाए, इनका भी व्यवहार ठीक हो जाए, ये लोग भी किसी तरह बात को समझने लगे, ये सब आशा में बना हुआ है कि नहीं। तो चीजें चल रही हैं, होता क्या है कि जब हमारे व्यवहार में वो मैनिफेस्ट हो जाती हैं तब हमको लगता है कुछ तो चला होगा, लेकिन जब चल रहा है उसको देख के मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं, इस बात को भी हम देख नहीं पाते। तो उस पर मैं इतना ही कहूंगा, अभी थोड़ा सा और उसको देखिए, मतलब एकदम से आप नहीं देख पा रहे हैं, तो अभी आप देखिए कि अगले 1 घंटे के लिए आप क्या सोच रहे हैं। तो जो सोच रहे हैं वही सब कल्पनाशीलता में चल रहा है। जब ऑफिस जाते हैं तो लोगों को आप गुड मॉर्निंग करते होंगे, एक्सपेक्टेशन बना रहता है कि दूसरे भी मुझे गुड मॉर्निंग करें, जी
है ना, वाइफ से कुछ बात करते हैं, बच्चों से कुछ बात करते हैं, बात करने से पहले बहुत सारा सोचते होंगे, ये बोलूं ना बोलूं, ये सब थॉट में चल रहा है। फिर एक्सपेक्टेशन रहती होगी, मैंने बोला है कम से कम हाँ तो करें, ना भी हाँ करें कम से कम अपने फीलिंग्स तो सही रखें ये लोग, ये सब आशा में बना रहता है ना। तो थोड़ा सा उसको ध्यान देंगे तो जी वो होने लगता है, दिखने लगता है ना। उसको थोड़ा और ध्यान दीजिएगा, दिखने भी लगेगा, आप बता भी पाएंगे चीजों को ठीक से। हाँ जी ठीक जी जी है। जी ये जो चल रहा है अभी टॉपिक, इससे रिलेटेड मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, और उसमें मेरा जी प्रश्न भी है। जैसे कल सुबह की घटना थी कि मेरी मेरे हस्बैंड से किसी बात पर बहस हो गई, फिर उसी बहस के साथ साथ ही में मैं नीचे आई, मैंने जो एक्सरसाइज वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट किया, साइकिलिंग की। अब ड्यूरिंग द साइकिलिंग मेरे मन में एक दुख सा बना हुआ था, विरोध सा, गुस्सा एक्चुअली बेसिकली बना हुआ था, वो बना ही हुआ था गुस्सा अंदर की तरफ। और जब बाहर मुझे कुछ लोग दिख रहे थे तो वो उनको उनसे रिलेटेड मेरे मन में विचार आ रहा था कि देखो ये आ रहे हैं, ये ऐसे बोलते हैं, ऐसे करते हैं, फिर तो थोड़ा सा भाव भी आ रहा था। और मतलब पूरे ड्यूरिंग 20 मिनट वो जो लोग जो मेरे आंखों के सामने आते गए उनके बारे में कोई विचार आता गया, उनसे उनके बारे में कोई थॉट वो भाव भी आता गया उनसे रिलेटेड कि देखो इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, या अभी ये मुझसे पार्टी के लिए बोलेंगे, या कितने अच्छे नेचर के व्यक्ति, इन्होंने मेरी हेल्प की थी। तो इस तरह से छोटे छोटे से भाव और विचार आते गए कि समय के साथ ही चले जाते थे। जैसे वो चलते चलते हम ट्रेन के बाहर देखते हैं तो चीजें आती चली जाती हैं, लेकिन वो एक जो विरोध वाला भाव था वो मेरे अंदर बना ही हुआ था। तो मुझे ये मेरा क्वेश्चन है कि क्या एक साथ इस तरह की दो चीजें भी चल सकती हैं, कि किसी को देख के शॉर्ट टर्म का भाव आए तो उसी के साथ चला जाए, मीन वाइल हमारे साथ कोई परमानेंट विचार, कोई परमानेंट भाव बना रहे पीछे, विरोध का या दुख का या संबंध का, इस तरह से। और दूसरा ये था भैया कि जब इस बात को जो मेरे अंदर विरोध का भाव था, फिर मैंने उसको काफी एनालिसिस की, क्योंकि उसमें मैंने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी थी, तो मैंने स्वयं में ही काफी एनालिसिस की इसकी। फिर दोपहर तक मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची कि मिस्टेक तो कहीं ना कहीं मेरी ही थी, जो कि मुझे भी नहीं पता थी कि मेरी एक मान्यता थी कि मैं चाह रही थी कि मुझसे उस समय मुझसे बैठ के बात करें, या सुबह का समय है तो बैठ के चाय पीनी चाहिए, बात करनी चाहिए, वो चाहिए वाला जो पार्ट था वो मुझे परेशान कर रहा था, और मुझे पता भी नहीं था कि उस मान्यता की वजह से इतनी सारी बहस हो गई, इतना सारा पूरा एपिसोड हो गया। तो ये मैं दोपहर तक कर पाई, तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस था। और जो मेरा प्रश्न था, वो मेरा प्रश्न ये था कि क्या एक साथ एक कोई लॉन्ग टर्म का भाव और शॉर्ट टर्म के भाव विचार ऐसा हो सकता है क्या, या मेरे साथ कोई प्रॉब्लम मतलब मैं समझ नहीं पाई हूँ, ये भैया मेरा प्रश्न था, इसको थोड़ा सा क्लियर करें। जी ठीक है, पहले मैं दूसरी वाली बात को रखता हूँ, फिर ये पहले वाली बात पे आता हूँ। जी भैया तो देखिए, अभी ज्यादातर समय तो ऐसे ही होता है कि हम जब अपने में अवेयर नहीं रहते हैं, है ना, तो बहुत सारा आशा के रूप में हम लोगों से चीजें बनाए रहते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि सारी मिस्टेक मेरी है, लेकिन एक बात उसमें तय है कि जो भाव मेरे में चल रहा है उसकी जिम्मेदारी मेरी है ना। हो जी सकता है कुछ स्लिप दूसरे से वाले से हो रहा है, कुछ स्लिप मेरे से भी हो गया है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो भाव मेरे में चल रहा है उसकी जिम्मेदारी तो मेरी है, ये क्लियर होना जरूरी है। वो होता क्या है, ये भाव चल रहा है, ये मेरे निर्णय से तय हुआ है, ये बहुत देर में हम पहुंचते हैं यहाँ पर। पहले बिल्कुल तो हम यही पूरा विश्लेषण करते रहते हैं कि सामने वाले ने हमें समझा क्यों नहीं, सामने वाले का ध्यान क्यों नहीं गया मैं जो चाह रहा हूँ, इस पर बहुत सारा समय लगाते रहते हैं। जब सामने वाला सेटल नहीं हो पाता है, तब कहीं जाकर देर सवेर हम ये निकालते हैं कि हाँ हम भी जिम्मेदार तो हैं से। अगर ये बात उसी समय समझ में आ जाए कि मेरे में जो भाव चल रहा है अभी बना है विरोध का, इसके जिम्मेदारी मेरी है,
अगर ये क्लियर हो जाए कि जिम्मेदारी मेरी है, तो उसी क्षण से स्वयं पर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत देर में आता है कि मेरी जिम्मेदारी है, जब हर तरह से तर्क लगा लेते हैं और दूसरा वाला नहीं जिम्मेदारी को स्वीकारता या मुझसे कुछ नहीं कह पाते हैं, तब हम ये बहुत तर्कपूर्वक निकालते हैं कि मैं ही जिम्मेदार हूँ, है ना। तो जो इतना गैप हो जाता है ना, सुबह का विरोध का भाव जो दोपहर तक गया है, अगर ये सुबह ही सुबह क्लियर हो जाता है कि सामने वाले ने कुछ बोला है या कुछ नहीं किया है, लेकिन ये जो भाव ट्रिगर हुआ है, ये मेरे में ट्रिगर हुआ है, और मेरे में ट्रिगर हुआ है क्योंकि मैंने निर्णय लिया है कि विरोध के भाव से ही चीज़ें ठीक होंगी। अगर उस समय मैं अवेयर होता और अपने में भाव को देख पाता, उसका ठीक से मूल्यांकन कर पाता, तो मैं कुछ और निर्णय ले रहा होता, लेकिन ये सब मुझसे स्लिप हो गया, तो वो लंबे समय तक बना रहता है। तो इसीलिए स्टेप फोर्थ को देखेंगे, बार बार इस पर बात कर रहे हैं हम लोग, कि बाहर की व्यक्ति या परिस्थिति केवल ट्रिगर कर सकता है, लेकिन मेरे में जो भाव उठा है वो उठा है क्योंकि संस्कार वैसा बना हुआ है, और बना हुआ है क्योंकि मैंने निर्णय पूर्वक बना रखा है, बना रखा है क्योंकि मुझे लगता है चीजें बाहर ठीक करने से होती हैं। अगर ये दिख जाए कि मेरी निर्णय से ये बना है और मैं इस पे काम करके इसको सही सहज कर सकता हूँ, तो मेरा ध्यान अपने भाव पे काम करने पे लग जाएगा, तो फिर जो इतना गैप आता है ना वो नहीं आएगा, फिर तो तुरंत ही रिजॉल्व हो सकता है, क्योंकि मुझे अपने ऊपर ही काम करना क्या है, फिर अपने भाव को ठीक करके दूसरे के साथ रिस्पॉन्स करना। और भैया मैंने ये भी देखा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उस समय चीजें कंट्रोल कर रही हूँ, जवाब नहीं दे रही हूँ और मैं संभाल रही हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं एग्रेशन में आ गई थी, क्योंकि वो एग्रेशन को शांत होते होते मतलब दोपहर तक का वक्त हो गया, जब वो शांत हुआ तब मैं प्रॉपरली सोच पाई। और जो अभी अभी कुछ दिन पहले सेशन में आपने बोला था कि जो विरोध का भाव है उससे भागे नहीं, उसका मतलब उसको ठहर के सोचे, उसके बाद उसका विश्लेषण करें, तो मैंने फिर उसका पूरा विश्लेषण करना स्टार्ट किया। तब से मैं कई मामले में ऐसे कर रही हूँ और मुझे तो मेरी मेन प्रॉब्लम लग रही है वो यही लग रही है, बार बार यही मान्यता सामने आ रही है, औरों से भाव पाके सुखी होने वाली मान्यता जो मुझे अपनी कमी दिख रही है हर बार। और मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्या सभी केसेस में यही चीज निकल के आती है, घूम के फिर उसी रूट पे पहुंच जाती है। ये मेरे साथ दिक्कत है, तो बाकियों से भाव पाके सुखी होने वाली प्रॉब्लम वो आप ही है। के साथ नहीं दीदी, बहुत सारा अभी देखेंगे, बहुत सारे लोगों के साथ ये इश्यू है, कोई आप ही इसका विक्टिम नहीं बन रही है इस पूरे संसार में है ना। वो हम लोग का ब्रिंगिंग ही ऐसा हुआ है, ऐसा शिक्षा संस्कार मिला है, तो जैसा शिक्षा संस्कार मिला है वैसे संस्कार अपने में बन गया है, तो वो आप अकेली विक्टिम नहीं है संसार में, बहुत सारे लोग इसी बात से जूझ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम को रिकग्नाइज हो रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि हम बाहर से सुखी होने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए निरंतरता नहीं हुई, इसलिए मैं परेशान हो रहा हूँ, ये एक अच्छी बात हो गई है। नहीं तो भी बहुत सारा एफर्ट देखेंगे इस सिविलाइजेशन में, ज़्यादातर लोगों का एफर्ट तो अभी इसी दिशा में ही है, तो आप अकेले विक्टिम नहीं है, बहुत सारे लोग हैं इसमें। दूसरी बात, वो लाइन को मैं ठीक कर देता हूँ, तो मैंने ये कहा था कि जब चीज़ें हो रही हैं तब अपने को ऑब्जर्व करें और ये ध्यान रखें कि ये जो भाव मेरे में चल रहा है इससे निकलने का मेरे में पोटेंशियल है। अगर ये बात ध्यान रखेंगे मेरे में निकलने का पोटेंशियल है, तो ये जो बाहर के लोगों को हम अंदर ले आते हैं इसकी संभावना कम हो जाएगी। तो पोटेंशियल है देखने का, तो मैं देख लेता हूँ, देख लेता हूँ, अभी विश्लेषण नहीं करता हूँ, तो विचार को देख लेता हूँ, फिर भाव को देख लेता हूँ, फिर भाव से अपने पूछ लूंगा ये जो चल रहा है मुझे सहज स्वीकार है कि नहीं है। सहज स्वीकार होगा तो उसकी निरंतरता होगी, सहज स्वीकार नहीं है तो क्यों हम उसको निरंतर भी रखेंगे। फिर ये करते हुए अपने तक पहुंचना है और फिर अल्टीमेटली पूछना है ये जो अब असहज में हो रहा हूँ इसका निर्णय कौन ले रहा है। आंसर आ जाए मैं निर्णय ले रहा हूँ, तो बहुत सारा जो इंटेंसिटी है ना उसका, जो वो इतना एग्रीगेट हो रहा है, डेंसिटी उसकी जो बढ़ रही है वो कम हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम बीच में दूसरे को ले आते हैं, फिर उसका
इंटेंसिटी और बढ़ जाता है। नहीं। तो ये थोड़ा सा बस ध्यान रखना है ना। तो इंटेंसिटी तभी बढ़ती है जब हम दूसरों को लाते हैं, अपने को देखते हुए चले जाएंगे और अगर इस स्टेप तक पहुंच जाएंगे कि निर्णय तो अल्टीमेटली मेरी है, तो उससे काफी इंटेंसिटी लूज होती है उस विरोध के भाव की। जी और वो एक साथ जो मैंने पूछा दो भाव चलने वाले वाला जो जी जी तो कल्पनाशीलता में देखिए ना, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, किसी के लिए आपके अंदर सहज भाव है, किसी के लिए असहज भाव है, बहुत सारे लोगों के लिए मान्यता के रूप में बहुत तरह से कॉम्बिनेशन हमने बना रखे हैं। तो चल सब कुछ रहा है, मैं ध्यान कहाँ देता हूँ? तो कभी ऐसे लोगों पर ध्यान चला जाता है जिनका पुराना हिसाब किताब है तो ज्यादा देर तक बना रहता है, कभी ऐसे लोगों पर ध्यान चला जाता है जिनका थोड़ा डिस्टेंस में रहते हैं, ज्यादा आना जाना नहीं है, तो उनके लिए ठीक भाव दिखने लगता है। कभी ऐसे लोगों पर ध्यान चला जाता है जिन्होंने हेल्प की है, तो अंदर से जो संस्कार आता है वो सहज संस्कार आ जाता है। तो बाहर हम देखते जाते हैं और अंदर हमारे उसके लिए जो भी कॉम्बिनेशन बने हैं वो ट्रिगर होते जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को हम देखते हैं जिन्होंने काफी हेल्प किया है मेरे मेरे परिवार का, तो उनके लिए एक तरह का भाव आता है। ऐसे लोगों को देखते हैं जो शॉर्ट टर्म पर है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं परेशानी, उनके लिए दूसरे तरह का भाव आता है। तो सब अंदर ही चल रहा है कल्पनाशीलता में, जैसे जैसे बाहर आता है वैसे वैसे मेरा अंदर ध्यान चला जाता है। और हम लोग इस बात को ही कह रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है, बाहर चीजें होती हैं, फिर मेरे में कुछ ट्रिगर होता है, फिर हम उस पर ध्यान देते हैं, फिर उसके विक्टिम बन जाते हैं। तो इस पूरी एक्सरसाइज में यही कह रहे हैं, अगर हम अपने में अवेयरनेस बनाए रखें तो ये जो कॉम्बिनेशंस मेरे में बन रहे हैं, है ना, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग कुछ मानना है, अलग अलग परिस्थितियों के लिए अलग अलग कुछ मानना है, सीधे सीधे इस पर ध्यान दिया जाए और इसको अवेयरनेस के साथ मूल्यांकन कर लिया जाए, फिर ये जो इधर उधर भागने की है ना, कभी कभी इस दिशा में भाग जाते हैं, कभी एक्सट्रीम उल्टी दिशा में भाग जाते हैं, ये सब की संभावना कम हो जाएगी। तो वही पूरी बात कर रहे हैं एक्सरसाइज वन और ये स्टेप 1 2 3 4 में, अभी ऐसा ही होता है। तो बाहर किसी को देखते हैं फिर कुछ टिकर होता है, फिर कुछ परिस्थिति आती है फिर कुछ टिकर होता है, क्योंकि बाहर के लिए क्या करना है, बहुत सारा संस्कार हमने अपने अंदर बना रखा है, तो हर परिस्थिति के लिए कुछ ना कुछ बना रखा है, तो ट्रिगर हो जाता है या ध्यान चला जाता है मेरा। तो इसलिए ठीक से ध्यान देके उसको मूल्यांकित करना जरूरी है, फिर वो परिस्थिति से ट्रिगर नहीं होगा, फिर वो व्यक्ति से ट्रिगर नहीं होगा, फिर मैं निर्णय पूर्वक तय कर लूंगा क्या चलाना है। फिर ये जो आपको दिक्कत हो रही है कि थोड़ी देर के लिए इसके लिए रहता है, थोड़ी देर के लिए उसके लिए रहता है, ज्यादा देर के लिए यहाँ चल जाता है, उस सबसे मुक्त हो सकते हैं अगर हम मूल्यांकन सही से कर लें तो। ठीक जी देखो है। हाँ धन्यवाद जी, धन्यवाद। मैंने अभी अभी ये कानपुर में परिचय शिविर किया है, तो अच्छा बढ़िया, उसके बाद अभी फिलहाल तो मैं जो हूँ पहले स्टेप पे ही हूँ। पहले स्टेप के ऊपर मैं अपने भाव विचारों को स्वयं देखने का प्रयास कर रहा हूँ। पहले तो शुद्ध दृष्टया भाव से देखता हूँ और फिर उनका जो है धीरे धीरे, वो वैसे तो स्वयं मूल्यांकन हो जाता है लेकिन फिर भी कुछ ना जी कुछ मूल्यांकन करता हूँ। तो मुझे कुछ कुछ अपनी भी गलतियां नजर आने लगी हैं और जो हमारे साथ लोग संपर्क में हैं उनकी भी गलतियां थोड़ी बहुत नजर आती हैं। अब उनको भी ऑब्जर्व करके, पहले तो मैंने 15 20 दिन महीना जो है अपने आप को बिल्कुल साइलेंट रखा और हर चीज शुद्ध दृष्टया भाव से ही देखता रहा कि भी कहाँ कहाँ कौन कौन गलत है, मैं गलत हूं या सामने वाला गलत है। अभी एक घटना हुई मेरे साथ कि मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, तो मेरे को ना थोड़ी चोट लग गई। तो कोई बात नहीं, वो तो लगती रहती है रूटीन के अंदर, तो इतना ज्यादा ध्यान भी नहीं देते। तो उससे 10 15 दिन के बाद हमने कहीं टूर पे जाना था, मैंने और धर्म पत्नी ने। लेकिन हुआ क्या कि भी वो, मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई मेरी टिकटें कैंसिल करा दो, हम नहीं जा पाए। लेकिन हमारी धर्म पत्नी बोलती क्यों नहीं जा पाएंगे। मैंने कहा देखो भाई, अच्छा फिर मेरे दिमाग में जो विचार चल रहा था वो, मैंने कहा कि भी एक तो इनको बताया, पहली बात तो ये है कि भी इनको थोड़ी चिंता तो स्वाभाविक ही है,
लेकिन क्या होता है कि भी जब ये हम ऐसी कोई घटना अपने मतलब कि स्पाउस को बताते हैं ना, उनका सबसे बड़ा होता है आप गलती करते रहते हो, आपको चोट लग जाती है, ये है वो है, यानी कि उनका एक लेक्चर शुरू हो जाता है। उससे जो है एक तो बीपी हाई हो जाता है और एक आदमी टेंशन में आता है और एक विरोध में आता है। तो मैंने उसको उस स्थिति को अवॉइड करने के लिए उनको बताया ही नहीं भाई। ठीक है मतलब कि थोड़ा बहुत पेन था लेकिन उसके बावजूद भी मैं आराम में था, कोई ऐसी टेंशन वाली बात थी। लेकिन मैंने उनको ये बोल दिया, मैंने कहा भाई देखो अभी मैं आपको इसका रीजन नहीं बता सकता अभी क्यों सीटें कैंसिल करानी है, लेकिन मैं 2 4 दिन में अपने आप बता दूंगा आपको। अब वो उस टाइम पहले तो गुस्सा हो गई, फिर अगले दिन फिर वही बात कि नहीं मुझे बताओ। मैंने कहा यार मैडम जी देखो बात ये है कि मैं आपको बता बता तो दूं लेकिन आप लेक्चर चालू मत कर देना है। चलो उनको बताया, फिर वही उनका लेक्चर चालू हो गया। अब ध्यान से नहीं मतलब कि भी चलाते हैं, खाना नहीं खाते। मैं नेचुरोपैथी पे ना थोड़ा सा अपने आप को मतलब कि भी डिटॉक्सिफाई करने का भी प्लान कर रहा था, तो उसमें भी उनको परेशानी होती थी, आप खाना नहीं खाते 10 15 दिन से जो है फ्रूट फ्राट पे रह रहे हैं, आपकी सेहत खराब हो जाएगी, फलाना है ठिकाना है। तो उनसे थोड़ा सा ना मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, तो इस वजह से कई चीजें मैं अपने स्पाउस से इग्नोर ही कर जाता हूँ कि भी मैं नहीं मतलब कि उनके साथ डिस्कस ही नहीं करता। क्या मैं ये ठीक करता हूँ इस बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए। जी भैया जी। तो देखिए भैया, जब कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है तो हम एक तो उस व्यक्ति के भाषा और जो बॉडी लैंग्वेज है उसके पीछे के भाव को समझने की कोशिश करें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर हमारा ध्यान उनके भाव पे जाएगा तो देखेंगे भाव तो ममता ही का है। बिल्कुल बिल्कुल उस बिल्कुल ममता के भाव के तहत है ना ये कंसर्न आ रहा है कि कहीं शरीर डैमेज ही ना हो जाए अच्छा करने के चक्कर में। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर उनके इस भाव पे ध्यान बना रहे तो फिर आप जब स्टार्ट करेंगे तो आप भी भाव से स्टार्ट करेंगे कि कम से कम इतना कंसर्न बना हुआ है ना हमारे साथ जो व्यक्ति रह रहा है और हमारे लिए इतना किया भी है उसने। तो ये जब भाव से भाव की बात स्टार्ट होगी ना तो ये जो विचारों में कैसे करना है हम एक विधि से कर रहे हैं, दूसरे वाले को विधि क्लियर नहीं है अभी, तो बिल्कुल ठीक है। ये विधि का क्लैश है, मतलब हाँ थोड़ा मेथोडोलॉजी सा का विधि का क्लैश है। क्लेश। हाँ, बस वही है, बिल्कुल बिल्कुल जी, तो वो मेथोडोलॉजी का क्लैश है, ये हमको क्लियर हो जाए, भाव का क्लैश नहीं है। हाँ। अगर ये भाव का क्लैश नहीं है ये क्लियर हो जाए कि व्यक्ति कितना भी हार्ड बोल रहा है लेकिन पीछे उसका भाव तो यही है, ममता का भाव है, तो ये भाव पे अगर क्लियरिटी बनी रहेगी तो हम परेशान तो कम से कम नहीं होंगे। नहीं गोपाल भैया देखो ऐसा है, इसमें थोड़ा सा मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको कि देखिए भाव सब कुछ बिल्कुल ठीक है, 40 साल से दाम्पत्य जीवन ठीक चल रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि भी वही आपने बोला ना कि विधि का क्लेश है, कि भी मैं अपने आप को नेचुरोपैथी से ठीक करना चाहता हूँ, वो अपने आप को जो है एलोपैथी से ठीक करना चाहती हैं, हाई डेंसिटी की दवाइयां लेती रहती हैं, ये है वो है, लेकिन उसको हम तो शुद्ध दृष्टि भाव से देख लेते हैं लेकिन वो नहीं इसको देख पाती। अच्छा उनको इसके बारे में 2 4 बारी मैंने बैठ के समझाया भी कि देखो भाई मैं डॉक्टर की कंसल्टेशन से कर रहा हूँ, उन नेचुरोपैथी डॉक्टर से उनको मिलवा भी दिया, उनको बता भी दिया भी ये विधि डिटॉक्सिफाई करने की है, डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में चल रहे हैं, मैं अपने आप को ठीक कर रहा हूँ, मेरे मेडिकल टेस्ट भी ठीक आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई दो बच्चों को इरिटेट हो जाती है ना, तो उससे हमारे अंदर एक टेंशन का भाव आया। नहीं देखिए, इरिटेट इसलिए होते हैं कि हम चीज़ों को लॉजिकली ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं, हाँ तो हम क्या है कि ये सब बताकर ये बता देना चाह रहे हैं कि अभी आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं राइट मेथोडोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ और आपसे ज़्यादा राइट मेथोडोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ। तो वो अगर आप हम उसको तर्क और साइंटिफिक एविडेंस इन सब से समझाने जाएंगे हाँ है ना तो उससे भाव सेटल नहीं होता है, बहुत सेटल नहीं होता, बिल्कुल ठीक बात है। उससे भाव सेटल होता नहीं है।
नहीं होता। तो भाव वैसे ही बना रहेगा, आप कितना भी तर्क दे दीजिए उसमें, तो इसलिए वो फीलिंग पर जब तक एश्योरेंस नहीं आता है, फीलिंग पर सब और उसमें एश्योरेंस हाँ आता फीलिंग पर एश्योरेंस आना जरूरी है। है, फीलिंग पे और उसमें एश्योरेंस भी आना हम ये जरूरी। देख लें, हाँ एक तो फीलिंग पर आना एश्योरेंस जरूरी है, और दूसरा हाँ ये हाँ हम देख लें कि हम जो करते भी है हाँ उसको हम खुद लॉन्ग टर्म तक चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं, या हाँ ठीक है। कुछ दिन हम इन्फ्लुएंस में आके करते हैं, फिर कुछ दिन इन्फ्लुएंस में आके हम कुछ और करने लगते हैं। हमारे करने में अगर एक निश्चितता दिखती है ना, तो धीरे धीरे सामने वाला इस बात के लिए सेटल हो जाता है कि नहीं ये सही चॉइस लेते हैं। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक कह अगर रहे उसमें निश्चितता नहीं है, कभी हम किसी हैं। एक मेथोडोलॉजी से इन्फ्लुएंस होते हैं कुछ करते हैं, कभी दूसरी मेथोडोलॉजी से इन्फ्लुएंस होते हैं फिर कुछ करते हैं, तो सामने वाला डिलेमा बना रहता है। हाँ कभी कुछ डायलेमा दिन ठीक पहले ये मेथोडोलॉजी लिया था, परेशान हो गए, तब ये चालू कर दिया बात है है, बिल्कुल 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 ना। बिल्कुल अभी इनकी बातें कर रहे हैं तो इनके प्रभाव में आ गए हैं, कभी उनके बातें करेंगे तो उनके प्रभाव में आ जाएंगे। ये जो अनिश्चितता सामने वाले में बनी रहती है ना, हमारे व्यवहार को लेकर, ये ज्यादा परेशान करती है। ठीक कह रहे हो। तो कई बार मैंने इन चीजों को देखा है घर में स्पेशली, कि हम ये जो बाहर के वातावरण से प्रभावित होकर बार बार एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं ना, इससे सामने वाला ज्यादा परेशान होता है। अगर उसको क्लियर हो जाए कि ये व्यक्ति अपने आप में क्लियर है और ऐसे ही करता है और लंबे समय से ऐसे ही चल रहा है, तो वो आपको स्वीकार लेंगे। तो ठीक कह रहे हो। उसके पीछे भय वही बना रहता है कि प्रभावित होते रहते हैं बार बार। नहीं गोपाल भैया, इसमें थोड़ा सा मैं आपको और इंटरप्ट कर दूंगी। इसमें होता क्या नहीं मैं तो है, पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, नहीं जस्ट पॉसिबिलिटी। आपकी बात 101% बिल्कुल ठीक है और दिमाग में स्ट्राइक भी कर रही है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा बताऊं कि भी मैं जो हूँ, ये मेरा जो पैटर्न है ना, ये पिछले 40 साल से चल रहा है, ये एक दिन का पैटर्न नहीं है। लेकिन क्या है कि उसके लिए जब मैं अपनी मिसेज को ये मतलब कि भी कहने मतलब कि अडॉप्ट करने के लिए कहता हूँ, तो वो ये कहते हैं कि हर कोई हर काम नहीं कर सकता। भी चलो आपके लेवल तक तो ठीक है, लेकिन कम से कम मुझे लेक्चर तो मत दो। तो मेरी मेथोडोलॉजी तो 40 साल से बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके जी जी बावजूद भी कई दफा ऐसी मतलब कि बातें विरोधाभास वाली बातें हो जाती है ना, तो फिर मुझे सिंपली ये कहना पड़ता है यार मैडम जी अपना लेक्चर बंद करो। तो वो थोड़ी सी स्थिति मेरे लिए असहज होती है, हालांकि उसमें मुझे ऐसा लगता भी है कि भी मैं गलत कर रहा हूं, तो ऐसा कुछ चल रहा है। तो जी इसको कैसे मतलब कि भी, वैसे तो विद ए पैसेज ऑफ टाइम ही होगा, अब इसके लिए हम एक समय सीमा तो रख नहीं पाते, ऐसा मेरी फीलिंग है। तो उसको भाव के लेवल पर जाकर ही ना आश्वस्ति बिठानी पड़ेगी। भाव के लेवल पे तो सब कुछ ठीक है, बाकी बस ठीक है नहीं, जैसे उनके चल भाव के रहा है। लेवल पर आश्वस्ति बिठानी पड़ेगी। हाँ, अन्यथा उनके अंदर कुछ अन्यथा भाव भी चलता भाव है भी ना, चल जो रहा है। ठीक अनिश्चितता बनी रहती है ना कि क्या होगा, वो उनको है, भी जी क्लियर जी नहीं हो पा रहा है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, अब वही अगर वो क्लियर ठीक करना से पड़ेगा। बैठ जाएगा, जी, बैठ जाएगा तो प्रॉब्लम ठीक सॉल्व हो है, सकती है। ठीक है, धन्यवाद। जी। अभी मैं गर्मियों की छुट्टियां हैं तो जी विद्यालय में भी छुट्टियां हैं, बच्चों जी को 7-8 बच्चे हैं जो शेड्यूल कास्ट से हैं, बहुत पुअर हैं, और उनके लिए मैं एक क्लास ले रहा हूँ, जी और उसमें है ना किसी एग्जाम को लेके काम क्लास ले रहा हूँ मैं। कुछ दिनों बाद उनका क्या है कि है ना वो एग्जाम है और उसमें उनको बड़ी स्कॉलरशिप मिलनी है, तो थोड़ा लेंथी सिलेबस है, तो बच्चों को उसको करवाने में मुझे काफी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब से मैंने यूएचवी का अभ्यास किया है, उस अभ्यास के आधार पर मैं उसको बिल्कुल सहजता के साथ उसको करवा रहा हूँ। पहले मैं किसी भी चीज को लेके बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता था तो बच्चा सपोर्ट नहीं कर पाता था, तो मैं झुंझला जाता था। मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही। मैं झुंझला जाता था, मैं परेशान होता था और रिएक्ट भी करता था, और कभी कभी मैं हाथ भी उठाता था। लेकिन अभी बिल्कुल चेंज मैंने अपने आप में ये महसूस किया है कि मैं उनके साथ है ना वो एक रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल
यूएचवी की रिलेशनशिप के साथ मैं उनके साथ बातचीत करता हूँ, पूरे भाव के साथ, पूरे वात्सल्य और प्रेम के साथ उनके दिमाग में उस कॉन्सेप्ट को उतारने का प्रयास करता हूँ। और प्रयास करता हूँ तो बार बार उनको अभ्यास करवाना पड़ता है, और घर पे जाके भी तुम इसको अभ्यास करो और ये चीजें तुम करके लाओ। जैसे मैंने 10 कोई एक्सरसाइज दे दी, आप ये करके लेके आना, लेकिन बच्चा घर से करके लाता नहीं है। और जिस हिसाब से मुझे तैयारी करवानी है उनको, जिस हिसाब से क्या है कि करना है, उस हिसाब में मुझे लगता है कि है ना वो बहुत देरी हो जाएगी, और ये बच्चा क्या है कि एग्जाम में पास नहीं हो पाएगा या इसको क्लियर नहीं कर पाएगा। ये भी एक क्या है कि डर बना रहता है। तो फिर कभी कभी मन में आता है कि मैं दंडात्मक प्रक्रिया का क्या है कि प्रयोग करूं, और उनको किसी दंड के माध्यम से क्या है कि उनको कि घर पे जाके एक्सरसाइज करें। लेकिन फिर वापस दिमाग में ध्यान में आता है कि मैं भाव कहीं बिगड़ेगा तो नहीं, और भाव नहीं बिगड़ के दंड देना चाहता हूँ। ऐसा भी कभी आता है कि मैं भाव नहीं बिगाड़ू और बच्चों की सहमति से ही मैं क्या है कि उनको दंड दूँ, या क्या है कि 2-4 डंडे लगा के कि भाई तुम ये करके नहीं लाए तो कल मैं तुमको फिर क्या है कि है ना वो तुमको मार पड़ेगी, ऐसा वैसा। तो ये मेरे जो चल रहा है उसमें अभी तक मैंने ऐसा किया नहीं है। मैं बिल्कुल पूरे वात्सल्य प्रेम से क्या है कि पूरे भाव के साथ उनको अपनी यानी सहनशीलता को ध्यान में रखते हुए मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। तो अब मूल उद्देश्य मेरा ये है कि बच्चा क्या है कि इस एग्जाम में क्लियर हो निकले, और मैं इसी एटीट्यूड में रहा, हो सकता है क्या है कि बच्चा है ना वो इस परीक्षा को क्लियर नहीं कर पाए। तो इस स्थिति में मैं पेशो पेश में हूं कि मैं किस स्थिति में कैसे उनके साथ है ना वो रिएक्ट करूं, और किस प्रकार उनके साथ है ना वो आगे बढ़ूं, तो वो क्या है कि बच्चा है ना वो परीक्षा में पास भी होवे और है ना वो यूएचवी का मेरा जो ये अभ्यास है वो ही बना रहे। आप मॉर्निंग सेशन में कब से जुड़े हैं भैया? जी मॉर्निंग सेशन में, ये ये सुबह के सेशन में? मेरा दूसरा दूसरा अच्छा, दूसरा यूएचवी चल मेरा रहा है ना, ये मैं दूसरा है मेरा। है। अच्छा, चलिए बढ़िया। अच्छा जी, तो देखिए एक अच्छी बात यह है कि हम लोग अभ्यास में जब जुड़े हुए हैं, है ना, तो अब जब हम बाहर जो भी हम व्यवहार कार्य कर रहे हैं, जो भी इंटरेक्शन कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन में हम हैं, अब वो सब करते हुए हमारे में सही गलत की चीज़ें चलने लगी है ना, हम उस पर ध्यान देने लगे हैं। जी और ये बार बार हम सबके मन में आता है कि अगर हम वैसे ही करते हैं जैसा पहले कर रहे हैं तो हमको सहज स्वीकार नहीं है, जी और सहज स्वीकार है वो करते हैं तो बाहर चीज़ें टाइम ले लेती हैं फिर। जी लेकिन इसमें पूरी घटना में अच्छी बात यह है शेयरिंग में कि हम सब लोग जो शेयरिंग कर रहे हैं उसमें अच्छी बात जी यही है कि अब हम बहुत छोटी छोटी घटनाओं में, बहुत छोटे छोटे इंटरेक्शन में, है ना, अपने डेली रूटीन में अपने अंदर जी जो चल रहा है जी उसको देख पा रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जी पहले हम इग्नोर करके काम करते थे, तो जी एक अच्छी बात है। उसमें मैं ये ऐड करूंगा कि देखिए जब हम भाव से करते हैं ना चीजें, तो भाव जी के साथ भागीदारी होना जी ये बहुत सहज बात है, जी और भाव के साथ जब भागीदारी होती है तो हमको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, जी और एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, मतलब एफर्टलेस काम होता है ना। हम जी एफर्ट लगा रहे हैं ऐसा नहीं जाता है, वो तो होता ही है, एफर्ट लगना तो होता है जब भागीदारी कर रहे हैं जी तो। और भाव के साथ जब हम भागीदारी करते हैं तो उसके फल परिणाम की हमको बहुत जल्दबाजी नहीं रहती है। जी तो आप जो पहले बात कर रहे थे कि मैं जो है उसको पूरे भाव के साथ कर रहा हूँ, है ना, पहले मैं झुंझला जाता था लेकिन अब वो नहीं हो रहा है, जी तो ये एक अच्छी बात इसीलिए हो रही है क्योंकि हम भाव को सेंटर में रख के कहीं ना कहीं देख रहे हैं। तो जी भाव के साथ देख रहे हैं कि तो दूसरे के लिए शरीर और चैतन्य दोनों के लिए कुछ करना, ये हमारे लिए जी भागीदारी हो जाती है, जी और उस भागीदारी के तहत कर रहे हैं इसलिए हमारे में झुंझलाहट नहीं आता जी है ना। तो एक तो ये बात है।
दूसरी बात, अगर इसमें देखेंगे कि अब सामने वाले का क्या करना है, क्योंकि टाइम लिमिटेड है हमारे पास, जी तो दो बातों पर बस मैं ध्यान दिलाऊंगा, और जी जब भी मैं ध्यान दिलाता हूँ तो पॉसिबिलिटी के रूप में ध्यान दिलाता हूँ, और भी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। जी तो एक तो यही है कि टाइम लिमिटेड है, बाहर जो चीज़ें रही है उसमें, जी लेकिन उस लिमिटेड टाइम में भी मेरे भाव क्या चलेंगे, ये निर्णय अभी भी मेरे ही रहता जी है ना। तो भले ही बाहर 10 सेकंड बचे हों, लेकिन उस 10 सेकंड में अब मेरे भाव क्या चलेंगे, ये निर्णय हमेशा मेरे ही रहता है। जी तो एक तो ये बात हमारे ध्यान में बनी रहे, ऐसा ना जी हो वो टाइम का फैक्टर हमारे ऊपर इतना हावी हो जाए कि हमारे भाव अब हम तय ना करें, कहीं और से ट्रिगर हो जाए। बिल्कुल तो इस बात का अगर हम ध्यान रखे रहेंगे तो समय कम ज्यादा का इशू नहीं दिखेगा, ये हम देख पाएंगे निर्णय हर बार मेरा ही होता बिल्कुल है ना। तो अगर इतना ध्यान बना रहेगा, तो अब दूसरी बात आती है कि जब हम बाहर इंटरेक्शन कर रहे हैं तो सामने वाले का ध्यान दिलाने के लिए क्या प्रक्रिया यूज करेंगे। जी तो उसमें देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपको कभी अपना वॉल्यूम, कभी शब्द हार्श करने पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर सामने जी वाला को इतना ध्यान नहीं जा रहा जी है ना, तो ध्यान दिलाने के लिए हमको कभी कभी शब्द हार्श करने पड़ते हैं। तो हमको उसमें यार इतना ही ध्यान रहे कि शब्द हार्श कर रहे हैं, भाव अभी भी स्नेह का बना हुआ है। जी भाव अन्यथा हो जाएगा तो फिर हम उस दुख के विक्टिम भी बनेंगे, और फिर जो बाहर है वो ज्यादा डैमेज करेंगे, है जी ना। तो जैसे अगर बच्चे को देखेंगे, तो जब आग में हाथ डालने जा रहा है जी तो माँ उसको कुछ फेंक के मारती भी है, जी लेकिन ये भी ध्यान रखती है कि इसके कहीं ऐसी जगह न लग जाए जो निशान दिखने लगे। बराबर तो स्नेह का भाव बनी रहती है, बना रहता है, लेकिन ध्यान दिलाने के लिए उस परिस्थिति में बहुत हार्ड एक्शन भी लेती है। जी तो ये हमको ध्यान रहे कि वो टाइम के दबाव में मेरे भाव अन्यथा ना हो जाए, उसका निर्णय अभी भी जी मेरे पास है, नंबर वन। बिल्कुल नंबर टू, बाहर जो मैं कर रहा हूँ अब, जी उसमें हो सकता है कुछ लोगों के लिए शब्द है ना वॉल्यूम तेज हो जाए, जी लेकिन वॉल्यूम ही तेज हो रहा है, ये हमको क्लियर रहे, मेरा भाव अभी सही बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो सही भाव से अगर हम कुछ प्रक्रिया लेंगे तो लॉन्ग टर्म में लोग हमको समझ पाएंगे, जी इवन बच्चे भी हमको समझ पाएंगे कि सर दिल से उसमें इतने नहीं उसमें है। उसमें भैया हुआ कि मैंने 10 दिन तक लगातार बच्चों को क्या है कि है ना वो समझाने का प्रयास किया कि तुम घर पे जाके एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर क्या पड़ रहा है, कैसे है, क्या है। बच्चे अच्छी तरह समझ भी रहे हैं, लेकिन बच्चा क्या है, बच्चा है और वो जो वातावरण में है बिल्कुल शेड्यूल कास्ट और बिल्कुल ऐसा वातावरण है कि वो वहां जाके भूल जाता है। फिर मैंने बच्चों को कहा कि तुम ही बैत लाओ और मेरे को दो, मैं तुमको क्या है कि है ना वो भाव को मैं अपने आप को बिल्कुल सही रखते हुए और मैं तुमको क्या है कि है ना वो पांच पांच बेते लगाऊंगा और तब तुम्हारी अक्ल ठिकाने आएगी, है ना। तो बच्चा खुद जैसे भी सोच रहा है कि सर सही कह रहे हैं, ये क्या है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चा बेत लाने के लिए भी तैयार है। जो अभी आपने कही कहा ना कि वो आग के पास जा रहा है तो वो उसको क्या है डांटना ही पड़ेगा, लेकिन अंदर का भाव शुद्ध है। हाँ, एक प्रक्रिया और भी उसमें कर सकते हैं कि जी हम बच्चों से ये बात करें कि मैं ये चाहता हूँ तुम्हारे लिए, जी और उसके लिए इतना समय है, जी तुम लोग बताओ कि इतने समय में ये चीजें कैसे होंगी, जी उनका भी सजेशन एक बार आने दीजिए। बिल्कुल और अगर बिल्कुल इतने समय में नहीं हो पा रहा है तो हम सबको मिलकर क्या करना चाहिए, तो जी ये भी एक प्रक्रिया हो सकती है। जी जी भाई, ठीक है, अच्छा मार्गदर्शन मिला भी। जी। तो एक बार मैं जस्ट चीजों को फिर से ब्रीफ कर देता हूँ, इस बीच में अगर किसी का ऑब्जर्वेशन होगा तो हम लोग उसको ले लेंगे। तो देखिए, बात तो यही आती है कि हमारे में भाव जो बना हुआ है ना, उसको हम ठीक से मूल्यांकित कर लें। अगर भाव वो बना हुआ है जो हमको सहज स्वीकार है, जिसके हम निरंतरता चाहते हैं, जो मानवीय स्वभाव के अकॉर्डिंग है, तो उसके साथ भागीदारी होना एक नेचुरल आउटकम है। और जब भाव के साथ भागीदारी हम करते हैं, बाहर इंटरेक्शन करते हैं,
तो उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं ऐसा इंप्रेशन नहीं जाता है, क्योंकि भाव के साथ भागीदारी ही होना तय है। अगर एफर्ट लगाने का इंप्रेशन बार बार जाता है कि हम इतना समय लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, तो इसका मतलब वो भाव से नहीं चल रहे हैं, फिर बहुत सारी अपेक्षा से चल रहा है ना। तो इसलिए वो भाव पर जाकर भाव का सही मूल्यांकन करना है कि वो मान्यता के रूप में मेरे में कुछ बना हुआ है या वो रियल में ही जो मैं चाहता हूँ वही सहज भाव है, इस बात का मूल्यांकन करना जरूरी है। लेकिन उस मूल्यांकन करने के लिए ही हम लोग इस स्टेप पर आ रहे हैं कि पहले ये तय हो जाए कि जो मेरे में चल रहा है उसका निर्णय कौन ले रहा है। अगर ये तय हो जाए निर्णय कौन ले रहा है, फिर ये बात का स्कोप बन जाएगा क्या अब मेरे में पोटेंशियल है कि मैं अपने निर्णयों को सहज रूप से ले सकूं, जो सही है उसके अर्थ में ले सकूं। तो इसलिए स्टेप 1 से लेकर स्टेप 4 तक ये एक महत्वपूर्ण बात है, और पढ़ने में ये चीज़ें सिंपल लग रही हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम हर एक स्टेप को अपने में देखते हुए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो पूरा हम ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या बीच में इंटरप्ट हो जाते हैं, उस ऑब्जर्वेशन को करते हुए मैं बीज रूप में जो भाव बना हुआ है वहां तक पहुंच पा रहा है, उसको फिर मैं सीधे सीधे देख पा रहा हूँ, उसका मूल्यांकन कर रहा हूँ, उससे ये बात पर पहुंच रहा हूँ कि जो सहज भाव है उससे मैं सुखी होता हूँ, असहज भाव है उससे मैं दुखी होता हूँ, फिर ये दुख का जो सोर्स है वो क्या है उसको मैं देख रहा हूँ। तो उसके लिए देखेंगे तो 3 बातें निकल के आए, या तो बाहर की स्थिति परिस्थिति है, या कोई दूसरा व्यक्ति है, या मैं स्वयं हूँ। तो धीरे धीरे जब हम इस बात को देखेंगे तो हमको ये क्लियर होगा कि बाहर की परिस्थितियाँ ट्रिगर करती हैं, है ना, लेकिन मेरे में जो भाव विचार चल रहा है उसका निर्णय तो मैंने अपने बना रखा है, उसी से चल रहा है। अगर अन्यथा निर्णय बना रखा है तो जैसे कुछ ट्रिगर होता है तो अन्यथा निर्णय होने लगते हैं। तो इससे ये क्लियर होता है कि मैं अपने भाव विचार के आधार पर सुखी या दुखी होता हूँ, और इसको करते हुए इस बात पर पहुंचना है कि मैं 99% जिम्मेदार हूँ, 1% दूसरा जिम्मेदार है मेरे भाव का, या मैं ही अपने भाव का 100% जिम्मेदार हूँ। मेरे संस्कारों में जो चल रहा है, मेरे भाव में जो चल रहा है, इसकी 100% जिम्मेदारी मेरी है, या कुछ परसेंट मेरी है बाकी सब दूसरों की है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। अभी क्या होता है, इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर फिर मैं 2 निष्कर्ष निकाल पाऊंगा। नंबर 1, एक तो ये निष्कर्ष निकलेगा कि मुझे स्वयं में बदलाव की आवश्यकता है, इसलिए मैं स्वयं के विकास परिमार्जन के लिए प्रयास कर रहा हूँ, उसके लिए तत्पर हूँ। क्योंकि जब निर्णय मुझे लेना है तो बदलाव की आवश्यकता तो मेरे में ही है, उसके लिए मैं परिमार्जन के लिए प्रयास कर रहा हूँ। इससे एक बात ये हो और होगी कि अभी जो मैं इमिजिएटली दूसरों को दोषी ठहरा देता हूँ, दूसरे के प्रति जो शिकायत होती है उससे मैं मुक्त होऊंगा, क्योंकि अब मैं ये देख पाऊंगा कि दूसरा व्यक्ति या बाहर की परिस्थिति मेरे सुख दुख के लिए जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार तो मेरे अपने ही भाव हैं जो मेरे में बने हुए हैं, संस्कार हैं जो मेरे में बने हुए हैं। तो पहले मैं ये सोचता था हम लोग कि दूसरा व्यक्ति या बाहर की परिस्थिति मेरे दुख के लिए जिम्मेदार है, इसलिए मैं उनके दोष को देखता रहता हूँ और उनके बदलने की आशा करता रहा हूँ। तो हम लोग ने इस तरह से कभी ध्यान नहीं दिया कि मैं अपने दुख के लिए जिम्मेदार हूँ, इसलिए हमको अपने को बदलने की जरूरत है, परिमार्जन करने की जरूरत है, इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। तो हमेशा आवश्यकता के रूप में यही दिखता रहा कि बाहर के लोग ठीक हो जाएं, बाहर की परिस्थितियाँ ठीक हो जाएं, इसीलिए हमारा सारा ध्यान बाहर पर रहा। लेकिन ये स्टेप 4 पर अगर हम इस बात को देख पाते हैं कि मेरे सुख दुख का जिम्मेदारी मेरी है, अभी आवश्यकता भी बनेगी कि मुझे स्वयं के परिमार्जन के लिए काम करना है, स्वयं पर ध्यान देना है, तब इसकी आवश्यकता बनेगी। और एक बार आवश्यकता बन जाएगी तो ध्यान तो चला ही जाएगा, और ध्यान चला जाएगा तो मूल्यांकन तो फिर होना ही है। तो स्टेप 4 देखेंगे तो इस अर्थ में है कि अब मुझे ये आवश्यकता दिखने लगी है कि मुझे अपने में परिमार्जन करना है, अपने निर्णयों को ठीक करना है।
एक बार ये ठीक से आवश्यकता बन गई, अब ध्यान बाहर जाने की संभावना कम है, अब तो अपने ऊपर ही जाएगा, हर इंटरेक्शन में अपने ऊपर जाएगा, हर परिस्थिति में अपने ऊपर जाएगा, हर परिस्थिति में मैं देखूंगा ये जो निर्णय हुआ है तो मेरा ही है, फिर उसका ठीक से मूल्यांकन करेंगे, फिर देखेंगे, फिर निर्णय लेंगे, ये अपने में अब चालू हो जाएगा। तो अभी तक मैं दूसरों को बदलते हुए देखना चाहता था, दूसरे मुझे बदलते हुए देखना चाहते थे, खुद की बदलने की आवश्यकता ना मुझे लगती थी ना दूसरे को लगती थी, इसलिए इंटरेक्शन में भी देखेंगे कोई ना कोई दुखी होता रहता था। लेकिन अभी ये क्लियर हो गया है कि मुझे अपने पे काम करना है, क्योंकि अपने दुख के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। तो अभी जो इंटरेक्शन में एक्सीडेंट होते हैं, कम से कम एक व्यक्ति की तरफ से नहीं होगा, तो हमारा जो वातावरण भी बनेगा उसमें भी काफी रिलैक्स होंगे, क्योंकि कम से कम एक व्यक्ति को ये क्लियर हो गया है कि मेरे दुख का कारण सामने वाला नहीं है, मैं खुद हूँ। ये क्लियर हो जाए तो फिर हम अपना भी परिमार्जन के लिए एफर्ट लगाएंगे, अपने विकास के लिए प्रयास करेंगे, और उस क्रम में जितना जितना मैं रिजॉल्व होता जाऊंगा उतना उतना दूसरों का सहयोग करना ये मेरे लिए एक सहज बात हो जाएगी, एफर्टलेस बात हो जाएगी। तो अपने में परिमार्जन करते हुए दूसरे के में ध्यान देना, उसके परिमार्जन में हेल्प करना है, ये प्रक्रिया जब स्टार्ट हो जाएगी तो हम दूसरों के साथ, चाहे वो क्लोज बनो चाहे दूर के हो, ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्शन कर सकते हैं, ज़्यादा फुलफिलिंग इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब कोई व्यक्ति मुझे अपशब्द कहता है तो मेरे कानों तक आवाज़ आती है, मैं ध्यान देता हूँ, शब्दों को सुनता हूँ, उसके बारे में सोचता हूँ, फिर कुछ निष्कर्ष निकालता हूँ। अब मुझ में जो भाव बनता है वो मैं ही तय करता हूँ या दूसरा व्यक्ति तय करता है, ये अपने से पूछना है। यदि मुझे पता चल जाए कि अपशब्द कहने वाले व्यक्ति को कोई मानसिक बीमारी है, परेशान रहता है बेचारा, उसको समझ भी नहीं है वो क्या कह रहा है, क्या भाव चल रहा है, तब मेरे अंदर उसके लिए विरोध का भाव नहीं आएगा, दया का भाव आएगा। अगर मुझे दिख जाए कि वही व्यक्ति जो स्वस्थ दिख रहा है ना, अब लेकिन अपशब्द कह रहा है, तो अब मेरे अंदर जो भाव आएगा वो विरोध का भाव आएगा। तो बेसिकली शब्द से हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, उस शब्द को लेकर और उस व्यक्ति को लेकर मैं जो अपने में निर्णय बनाता हूँ उससे चीज़ें तय होती हैं। तो मैं जो निष्कर्ष बना रहा हूँ उससे तय होता है कि मेरे में संबंध का भाव चलेगा, विरोध का भाव चलेगा। तो हम ये देख सकते हैं कि शब्द तो वही है, परंतु शब्द से जो अर्थ निकला है वो बदल गया, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके बारे में हमको पता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब है, उन्हीं शब्दों से हम हर्ट नहीं हो रहे हैं, एक वैसा व्यक्ति जो हमको पता है कि बिल्कुल स्वस्थ है उसके शब्दों से हम हर्ट हो जा रहे हैं। तो बेसिकली शब्द हमको हर्ट नहीं कर रहे हैं, शब्द को सुन के और उस व्यक्ति के बारे में जोड़कर जो मैं निर्णय ले रहा हूँ उससे मेरे में भाव तय हो रहा है। तो अब अगर ये बात क्लियर हो जाए तो मैं अपनी सही समझ के आधार पर भाव का निर्णय कर सकता हूँ, दूसरे के व्यवहार पर प्रतिक्रिया करने के आधार पर नहीं बल्कि अपनी समझ से तय कर सकता हूँ कि अब मैं दूसरे व्यक्ति के लिए क्या भाव विचार चलाऊंगा। इतनी बात तक हमको ऑब्जर्व करना है, ध्यान देना है, और जितना हम प्रक्रिया में गहराई से जाएंगे उतना ही गहराई से हम ये देख पाएंगे कि मेरे निर्णय हैं, उतनी ही गहराई से हमारी आवश्यकता बनेगी कि अब हमको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। तो इस पर हम लोग ध्यान बनाए रखेंगे कल तक, अभी हम लोग इसको यहीं रोक लेते हैं, समय भी हो गया है। जी दीदी।